जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो पे मैं बताने वाला हूँ स्वराज ट्रैक्टर के पावरफुल मॉडल स्वराज 744 FE के बारे में, जो कि 48 HP के पावर इंजन के साथ आती है। 4x4 का भी ऑप्शन है, यानी इसके चारों पहिए में ड्राइव कर सकते हैं, चारों व्हील इसके पावर मिलती है। इसमें आपको 6 साल की वारंटी के साथ आती है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और यह अन्य ट्रैक्टर की तुलना में भी बहुत कम प्राइस में भी मिल जाती है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और अभी मैं हूँ श्री विनायक ट्रैक्टर्स बागबहरा, इसके अन्य ब्रांचेस महासमुंद में भी हैं। तो अगर आप स्वराज की कोई भी मॉडल खरीदना चाहते हैं, ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं और ट्रैक्टर की जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, यहाँ एक्सचेंज की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर आपके डिस्प्ले में दिख जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो वहां से आप संपर्क कर सकते हैं या तो यहां विजिट कर सकते हैं श्री विनायक ट्रैक्टर्स देना बैंक के सामने बागबहरा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस स्वराज ट्रैक्टर 744 FE के बारे में। तो दोस्तों, ये है स्वराज 744 FE, जो कि अभी मार्केट में धूम मचा रही है। यह ट्रैक्टर 5-स्टार रेटिंग के साथ आती है, जिसमें 4x4 का भी ऑप्शन दिया गया है। आप इसे चारों चक्के में पावर लगाकर चला सकते हैं और अपने खेतों पर धूम मचा सकते हैं। देख सकते हैं इसका लुक, यह है इसके साइड वाला लुक। और इसमें आपको बहुत ही अच्छा छायादार इसमें टावर मिल जाएगा छत। और यह है इसके बड़े बड़े टायर, यहाँ पर सामने में है 5-स्टार की ब्रांडिंग, नीचे में उसके 4x4 की ब्रांडिंग, स्वराज 744 FE की ब्रांडिंग, जो कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है नया स्वराज 744 FE का लुक, जो कि पिछले वाले 735 से कुछ डिफरेंट बनाया गया है इसके लुक को, देख सकते हैं इसमें। और आपको LED और हैलोजन लाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है। अभी इस मॉडल में आपको हैलोजन लाइट ही लगा हुआ मिलेगा, आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। और यह है इसके सामने वाले टायर, जो कि अच्छी ग्रिपिंग के साथ टायर दिया गया है, ताकि इसमें अच्छा से पावर मिल सके, अच्छी ग्रिपिंग बना सके। स्वराज 744 FE को बहुत ही पावरफुल इंजन माना गया है, जिसमें आपको 48 HP का पावर मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। स्वराज 744 FE ट्रैक्टरों में फ्यूल एफिशिएंट है, जो कम ईंधन के उपयोग में उच्च प्रदर्शन प्रदान करता है। और यह 3136 CC ट्रैक्टरों में से अपने सेगमेंट में सबसे मजबूत ट्रैक्टरों में से एक है। इसके अलावा इसकी कीमत भी अन्य ट्रैक्टरों की तुलना में, अन्य कंपनी के ट्रैक्टरों की तुलना में काफ़ी कम है। स्वराज 744 FE के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस ट्रैक्टर में 3 सिलेंडर और वाटर कूल्ड के साथ 3136 CC का इंजन मिलता है। और इसमें पावर 2000 RPM पर 48 HP की हॉर्स पावर जनरेट करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस मॉडल में सिंगल डुअल क्लच का ऑप्शनल क्लच है, इसमें डुअल क्लच और सिंगल क्लच ऑप्शन के साथ आती है इसमें, इस मॉडल में। और साथ ही इसमें क्वालिटी ट्रांसमिशन है। इसके अलावा इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर है, जो क्रमशः 3.1 से 29.2 किलोमीटर प्रति घंटे की फॉरवर्ड स्पीड और 4.3 से 14.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रिवर्स स्पीड प्रदान करती है। स्वराज 744 FE की फीचर्स की बात करें तो इस ट्रैक्टर में 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर बॉक्स के साथ आती है, जो कि किसानों के लिए काम को आसान बनाती है। इसमें ऑप्शनल ड्राई डिस्क टाइप के ब्रेक लगे होते हैं, जो कि तेल में डूबे हुए होते हैं, ताकि ख़राब ना हो। और इसमें 12 वोल्ट का बैटरी, 88 AH बैटरी आती है, साथ ही इसमें स्टार्टर मोटर अल्टरनेट भी आती है। इसमें स्वराज FE सिंगल ड्रॉप अलार्म और स्टेयरिंग कॉलम के साथ ऑप्शनल मैकेनिकल पावर स्टेयरिंग से लैस है, इसमें आपको पावर स्टेयरिंग मिल जाती है। यह ट्रैक्टर 1700 किलोग्राम की हैवी हाइड्रोलिक लिफ्टिंग क्षमता के साथ आते हैं, जो कि प्लाउ, कल्टीवेटर, डिस्क, रोटोवाटर,
रोटावेटर आदि इम्प्लीमेंट को आसानी से उठा सकता है। स्वराज कंपनी 744 एफई के साथ आवश्यक टूल बम्पर, ब्लास्ट वेट, टॉप लिंक, कैनोपी, हिच और ड्रॉबार जैसे सामान भी प्रदान करता है, जो कि एसेसरीज में ये इस मॉडल में आती है। दोस्तों, यह है इसके पीछे वाले भाग। सीट के जस्ट पीछे में आपको एक बॉक्स मिल जाएगा, टूल बॉक्स, जिसमें आपका इस ट्रैक्टर का कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। साथ ही इसमें आपको टूल किट में कुछ भी सामान रख सकते हैं। और यह है इसका हाइड्रोलिक वायर कनेक्ट करने की पोजीशन। पीछे में कुछ इस तरह से दिखाई देता है और यहाँ पर आपका ट्रॉली अटैच हो जाता है। और इसमें आपको एक अच्छी लोहे की ब्रांडेड लोहे की मजबूती वाली फील आपको मिल जाएगी। और यह है इसके पीछे का टेल लैम्प, साथ ही पैसेंजर साइड का बैठने का। और यह है इसका पीछे वाला हेडलाइट, जो कि रात के समय में आपको जुताई करते समय एक अच्छे ब्राइटनेस के साथ लाइटनिंग प्रोवाइड करती है। तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है इसके पीछे वाले भाग को। इसमें आपको बड़ा सा टायर मिलता है पिछले वाले भाग में, जिसमें आपको अच्छा ग्रिपिंग के साथ टायर मिलता है। साथ ही इसमें C8 का टायर लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका नंबर 14.9x28 का टायर साइज मिलता है पीछे वाले भाग में। तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसका ब्रांडिंग किया गया है 5 स्टार के साथ, और साथ ही 4x4 की ब्रांडिंग। और यहाँ पर है स्वराज 744। और यह है इसका एग्जॉस्ट, जिसमें लगा है जालीदार के कवर, जो कि किसी को कोई परेशानी ना हो अगर गलती से टच हो जाए तो। और यह है सामने वाला पहिए का नंबर 9.5x20 का टायर साइज मिलता है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छी है, अच्छी ग्रिपिंग के साथ बनाई गई है। साथ ही इसमें C8 का टायर मिलता है, जो कि नंबर है 9.5x20 का टायर साइज मिल जाता है। इसमें 4-व्हील ड्राइव होने के कारण आपको आगे का पहिया भी अच्छा ग्रिपिंग वाला दिया गया है। और यह है इसके सामने का लुक, जिसमें बड़ा सा बोनेट लगा हुआ है, अच्छा लोहेदार वजनदार बोनेट, ताकि अच्छा वजन के साथ ही, जितना ज़्यादा वजन अच्छा रहता है उतना ही इंजन अच्छी से काम करता है। तो इसमें बड़ा सा बोनेट लगा हुआ है। और इसमें आपको हैलोजन लाइट और LED लाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर है स्वराज की ब्रांडिंग, कुछ इस तरह से दिखाई देता है स्वराज के लुक, PTO की ब्रांडिंग। और यह है इसका इंजन, देख सकते हैं आप किस तरह से बनाया गया है स्वराज 744। और यहाँ पर है 5 स्टार के साथ सिंस 1974, सॉलिड पावर, सॉलिड भरोसा, 4x4 की ब्रांडिंग। और यह है फुटरेस्ट, यहाँ से आप चढ़ सकते हैं इसमें। तो कुछ इस तरह से दिखता है इसका लुक। और यह है इसका मिरर। और यहाँ पर है बड़ा सा बोनेट, साथ ही इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है, जिसमें आप 60 लीटर डीजल भरा सकते हैं। और यह है इसका स्पोक, 3-स्पोक स्टेयरिंग, जो कि नॉर्मल से दिया गया है, इसमें ज़्यादा कोई लग्जरियस फील नहीं कराई गई है। और यह है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको डिजिटली रूप से तो नहीं है, एनालॉग मीटर दिया गया है। और यह है इसके लाइट के कंट्रोल, यहाँ से आप इसके लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस साइड में है लीवर, जो कि पावर देने के लिए काम आती है ये। और यह है इसका गियर, साइड में है इसका गियर। इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक साइड वाला साइड से लगा सकते हैं और दूसरा सेंटर वाला। तो साइड वाला अभी दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। और यह है इसके पैडल्स, क्लच और ब्रेक्स के पैडल नीचे में दिया गया है, और पावर देने के लिए भी वहीं पर पैडल्स दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कुछ जानकारी जिसे आप इंग्लिश में दिया गया है, पूछ करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लगेगा इसका की, जिसे आप ऑन कर सकते हैं। और साइड में है इसके पावर देने के लिए पोजीशन गियर बॉक्स, जिसमें AC और DC काम करते हैं। यहाँ पर आप बोतल रख सकते हैं साइड की सीट में, स्वराज की ब्रांडिंग, पैसेंजर साइड का सीट,
और ऊपर में है आपका बड़ा सा छत, जिसमें ब्लू कलर की छत छत्ता दिया गया है अच्छे एंगल के साथ। और इधर है कुछ मॉडल नंबर लिखा हुआ है, मॉडल नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, और कौन से महीने में इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। 1 जनवरी 2024 को ये ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग हुई है। आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ जानकारी दिया गया है पीटीओ क्लच के बारे में। यह है पीटीओ क्लच का, और यहाँ पर आपको 4WD और 2WD को कंट्रोल करने का लीवर दिया गया है। आप चाहें तो इसे 4 व्हील में और 2 व्हील में भी चला सकते हैं। और यहाँ पर है 6 ईयर्स की वारंटी का ब्रांडिंग दिया गया है। तो कुछ इस तरह से स्वराज 744 FE का लुक और फीचर्स दिया गया है। और इसके सीट के नीचे में भी आपको एक कंट्रोल करने का, सीट को ऊपर नीचे करने का ऑप्शन दिया गया है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसके सीट को, जो कि अच्छी बात है। तो कुछ इस तरह से बनाया गया है स्वराज 744 FE को। यह है इसके सामने का लुक। अब बात करते हैं इसके कीमत की। तो स्वराज 744 FE का ऑन रोड प्राइस पड़ता है 9 लाख के आसपास। इसकी पूरी जानकारी आप श्री विनायक ट्रैक्टर्स से संपर्क करके ले सकते हैं, बट हमें जानकारी हुई है बताए अनुसार आपको ये 9 लाख के आसपास पड़ जाएगी। 9 लाख के अंदर ही आपको ये पड़ जाएगी। इसमें एक शोरूम है 8,50,000 के आसपास, जिसमें आपको RTO इंश्योरेंस कुछ वगैरह वगैरह और अन्य चार्जेस लगाने पर इसमें आपको ऑन रोड प्राइस पड़ जाता है 9 लाख के आसपास। तो अधिक जानकारी के लिए श्री विनायक ट्रैक्टर्स को संपर्क करें। इसका मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले में दिखाया गया है और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। श्री विनायक ट्रैक्टर्स बागबाहरा महासमुंद छत्तीसगढ़। और यहाँ पर आपको एक्सचेंज सुविधा भी मिल जाएगी, आप अपने पुराने ट्रैक्टर को ले जाकर एक्सचेंज करा सकते हैं। तो इसमें अगर फुल पेमेंट करते हैं तो ये 9 लाख में पड़ेगी, और साथ ही फाइनेंस की सुविधा भी है। 1 लाख डाउन पेमेंट देकर भी आप इसे फाइनेंस करा सकते हैं, बाकी 8 लाख का आपका फाइनेंस कराया जाएगा। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।